बिग कैट्स की दुनिया में टाइगर को जंगल का सबसे बड़ा प्रेडेटर माना जाता है। भारत में दुनिया के 75% टाइगर रहते हैं। हाल ही में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पता लगा है कि भारत में टाइगरों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 16 साल में 260% टाइगर बढ़े हैं। 4 सालों में बाघों की संख्या में 2967 से बढ़कर 3682 तक पहुंच गई है। 2006 में महज 1411 ही बाघ बचे थे। देश में 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश अव्वल है और उसका टाइगर स्टेट का दर्जा कायम है। नमस्ते, मैं नंदिनी हूँ और आप हैं मंच पर। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघ गणना 2022 के राज्यवार आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ पहले पर तो दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, जहां 563 बाघ हैं, जबकि उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ मिले हैं। वर्ल्ड टाइगर डे पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में बाघ की स्थिति पर रिपोर्ट साझा की, जिसे हर 4 साल में होने वाली कंट्री वाइड टाइगर सेंसस का वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एनालिसिस पर तैयार किया गया है। इसके मुताबिक देश में साल 2018 में 2967 बाघ थे। इस लिहाज से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी है। सबसे ज्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। 2016 में सिर्फ 300 थे। उत्तराखंड में साल 2006 में 178 बाघ ही बचे थे, आज 3 गुना बढ़कर 560 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 109 से करीब 2 गुना बढ़कर 205 हो गए हैं। ये राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व में बाघों की संख्या, टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड 260, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक 150, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक 141, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश 135, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी 135, मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु 114, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश 105, कांजीरंगा टाइगर रिजर्व असम 104, सुंदरवन टाइगर रिजर्व बंगाल 100, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र 97, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु 85 मिले हैं। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक शिवालिक पर्वत या गंगा के मैदानी क्षेत्र ने खूब बाघ बढ़ाए हैं। यहां बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा। मध्य भारत क्षेत्र व पूर्वी घाट क्षेत्र में 7 राज्य हैं। यहाँ देश के सबसे ज्यादा बाघ भी हैं। इनमें मध्य प्रदेश में 785 और राजस्थान 88 ने बाघ बढ़ाए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में बाघ घट गए हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहीं की है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों ने बाघों की संख्या में 270% वृद्धि की है। ओवरऑल नजर डालें तो 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967, 2022 में 3682 बाघ बचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है, साथ में सिर्फ एक। मिजोरम का जंपा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश का कमलेंग, तेलंगाना का कवल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा के सचकोसिया व सहायद्री टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। बंगाल के बक्सा, अरुणाचल के नामदफा, राजस्थान के राजगढ़ बिष्ठारी और मुकंदरा, झारखंड के पलामू, छत्तीसगढ़ की सीता नदी और इंद्रावली टाइगर रिजर्व में सिर्फ एक एक बाघ है। टाइगर रिजर्व में 5 से भी कम। इसमें उत्तर प्रदेश के रानीपुर में बाघों की संख्या 4, असम के नमेरी टाइगर रिजर्व में 3 है। इन राज्यों में दर्ज की गई है गिरावट।
अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि वे बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करें। चिड़ियाघरों की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन जू एंड वाइल्ड लाइफ वेटेरिनेरियंस यानी कि AIZWV के मुताबिक हर साल भारतीय चिड़ियाघरों में 20 से भी ज्यादा बाघ कैद में मर जाते हैं। बाघों की प्रजातियां, दुनिया में बाघ की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में बाघों की 5 प्रजातियां हैं। ये पांचों हैं साइबेरियन, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज, मलयन व सुमत्रन। चर्चा में क्यों रहता है सफेद टाइगर? भारत में सबसे पहला सफेद शेर मध्य प्रदेश के रीवा में पाया गया था। साल 1951 में गोविंदगढ़ के पास जंगलों में तब के महाराजा मार्तंड सिंह ने पहली बार सफेद बाघ देखा था। उसके बाद से सफेद शेरों की संख्या में इजाफा हुआ और अब ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। रीवा के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी भी है, जहाँ सफेद बाघों को आराम फरमाते देखा जा सकता है। टाइगर से जुड़े फैक्ट्स, ज्यादातर बाघ घने जंगल में रहना ही पसंद करते हैं। एक बार में 40 किलो मांस खा सकते हैं। भरपेट भोजन के बाद करीब 30 घंटे तक आराम कर सकते हैं। बब्बर शेर के बाद टाइगर की दहाड़ 3.5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। पानी के आसपास रहना पसंद होता है, कारण ये कि वहाँ शिकार आसानी से कर लेते हैं। बाघ जमीन के बाद पानी में भी चल सकता है, 6 किलोमीटर तक तैराकी कर सकता है। इंसानों पर सबसे ज्यादा टाइगर अटैक करता है, हालांकि चिड़ियाघरों में बाघों की संख्या कम होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रॉ डेटा का डिटेल्ड एनालिसिस किया, जिसमें पता लगा है कि 2015-16 में भारत के चिड़ियाघरों में लगभग 99 सफेद बाघ और 245 बाघ रखे गए थे, जिनमें से 16 सफेद बाघ और 28 सामान्य बाघ उसी समय पर मर गए। 2011-12 में चिड़ियाघरों में रखे जाने वाले सामान्य बाघों की संख्या लगभग 295 थी, लेकिन 2015-16 में धीरे धीरे इनकी संख्या घटकर 245 रह गई है। सामान्य बाघों को 60 चिड़ियाघरों में रखा जाता है, जबकि सफेद बाघ देश भर में पहले 27 चिड़ियाघरों में मौजूद हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि आपको ये रिपोर्ट 2017 की बताई जा रही है, फिलहाल अभी के कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं। जू में जैसे टाइगरों की संख्या कम हो रही है, उसको देखते हुए कानपुर में टाइगरों के लिए खास इंतजाम किया गया है और प्रीटेक सेंटर बनाया गया है। चिड़ियाघर में वर्तमान में 10 बाघ हैं, इनमें मादा बाघें 6 और नर 4 हैं। आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।